हमारे देश में पराधीनता के चिन्ह इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया आदि तो हैं, परंतु भारत की स्वतंत्रता का कोई भी विशेष चिन्ह स्मारक नहीं है। इसी को लेकर आज गोविंद नगर से एक रैली निकाली गई, जिसको हरी झंडी दिखाकर बीना आर्य पटेल ने रवाना किया। देखिए ये खास रिपोर्ट कानपुर से। रैली के माध्यम से सतगुरु ठाकुर दलीप सिंह जी के आदेश अनुसार नामधारी सिखों की विनती है कि हम सभी भारतीय मिलकर एक अद्वितीय भारतीय स्वतंत्रता स्मारक बनाएं, जिसे हम स्वतंत्रता चिन्ह के रूप में गर्व से लोगों को दिखा सकें। अद्वितीय भारतीय स्वतंत्रता स्मारक ऐसा होना चाहिए। सम्राट अशोक के स्तंभ, सम्राट अशोक का स्तंभ भारत का विशेष चिन्ह है। जैसी ऊंची मीनार बनाई जाए जो दूसरों से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, और उसके साथ ही भारत के नक्शे जैसा एक और स्मारक बने जिसके एक तरफ स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र व नाम जगमगाते हों और दूसरी तरफ देशभक्तों की फिल्में बड़ी LED स्क्रीन पर चलें। यह स्मारक ऐसा द्वितीय होना चाहिए जिसको देश और विदेश के पर्यटक देखने आए। आज पर उपकारी सेवा समिति द्वारा आर्य समाज, जैन समाज व विभिन्न शिक्षण संस्थाओं विश्व भारती इंटर कॉलेज सरस्वती विद्या मंदिर, चाचा नेहरू इंटर कॉलेज सरस्वती बालिका विद्यालय, काला बाबा सरस्वती शिशु मंदिर के स्टाफ सहित सभी बच्चे लोगों को जागरूक करने के लिए शहीद भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु अमरचंद जैन, मूलचंद जैन, बेगम हजरत महल, अशफाक उल्ला खां, बाजीराव पेशवा, लाला लाजपत राय, अजीजन बाई आदि अनेक देशभक्तों का रूप धारण किए, हाथों में तख्तियाँ लिए कि हम भारतीय स्वतंत्रता स्मारक चाहिए, हमारा स्वतंत्रता स्मारक कहाँ है जिसको देख हमारे बच्चे शहीदों को नमन कर गौरवान्वित कर सकें। इस उद्देश्य से पैदल और ये साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। आज विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा, आर्य समाज द्वारा, परोपकारी सेवा समिति द्वारा, जैन समाज द्वारा और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा एक शहीद भगत सिंह जी की जयंती पे भारतीय स्वतंत्रता स्मारक बने, और इसलिए हम लोग ने आज पैदल यात्रा और साइकिल यात्रा लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली है। जैसे कि इंडिया गेट है, वार मेमोरियल गेट है, सब पूरा है, उसके बाद अलग से ऐसी क्यों डिमांड रखे हुए हैं जो कि अंग्रेज की नौकरी करते थे और भारतीयों पे गोलियां चलाते थे। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का वहाँ पे नाम नहीं है, वो तो हमारे माथे पे कलंक है। रही बात आपकी वार मेमोरियल की, ये हमारे यशस्वी प्रधान जी ने, प्रधानमंत्री जी ने वार मेमोरियल बनाया जो कि 1947 से लेके 2022 तक जो सैनिक शहीद हुए उनकी याद में वार मेमोरियल बना है। आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव जैसे शुभ मौके पर और शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर प्रधानमंत्री महोदय जी से यही निवेदन हम सब समाजसेवी करना चाहते हैं कि हमारा ऐसा अद्वितीय भारतीय स्वतंत्रता स्मारक बनना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अब गर्व से अपने सीना चौड़ा करके विदेशी व भारतीय लोगों को दिखा सके। हमारे साथ राजविंदर जी भी हैं। राजविंदर कौर जी, ये किसने सुझाव दिया है? ये हमको वर्तमान ठाकुर दिलीप सिंह जी ने सुझाव दिया है, जो कि कई समय से हमको देश के प्रति ये ऐसे ही जागरूक करते रहते हैं कि हमको देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। उन्होंने बहुत से ऐसे हमको सुझाव दिए हैं, जिसमें से कि हमको ये भी एक सुझाव दिया है कि हमारा यहाँ पे स्वतंत्रता स्मारक नहीं बना, बल्कि छोटे छोटे देशों ने अपने स्वतंत्रता स्मारक बना लिए, लेकिन हमारे भारतवर्ष में स्वतंत्रता स्मारक नहीं है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि हमको हमारा स्वतंत्रता स्मारक दिखाएं, ताकि दिलाएं, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को वहां पर बताएं हमको कि यह हमारे शहीदों की याद में स्वतंत्रता स्मारक बना है। और हम जैसे यहाँ पे इंडिया गेट दिखाने ले जाते हैं, इंडिया गेट हमारे माथे पर एक कलंक है क्योंकि वो उन गद्दारों के नाम लिखे हुए हैं जो अंग्रेजों की नौकरी करते थे, ना कि वो उन्होंने अंग्रेजों की जो नौकरी करते थे उन्होंने अपने भारत देशवासियों, देश प्रेमियों के ऊपर गोलियां बरसाई, उनके नाम लिखे हुए हैं। हम उनको गद्दार ही कहेंगे कि गद्दारों के नाम लिखे हैं, हमारा वो स्वतंत्रता स्मारक नहीं है। जैसे कि और हमारे चैनल भी दिखा रहा है, तो क्या उद्देश्य है बैनर का? ये बैनर का यही उद्देश्य है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास साथ तमाम स्कूल हैं जो हमारे साथ हैं और तमाम समाज सेवी भी हैं जो हमारे साथ आज चल रहे हैं, विधायक जी भी हैं, हर घर कोई है। और
ये सब इन सब की मांग है कि स्वतंत्रता स्मारक बनना चाहिए। आज भक्त शहीद भगत सिंह की जयंती पर हमने ये पथ यात्रा और साइकिल यात्रा निकाली है जिसके जरिए कि हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा स्वतंत्रता स्मारक बने और बहुत जल्द बने। आज ये समझे नहीं, जो रैली निकल रही है इसका क्या उद्देश्य? देखिए उद्देश्य जैसा कि अभी सब हमसे पहले जो उन्होंने बोला, बहुत कुछ बोला, सब कुछ बोल दिया है, शहीद स्मारक बनना चाहिए, इस रैली का उद्देश्य ही यही था। और आप देख सकते हैं पीछे कितना बड़ा हुजूम चल रहा है इस रैली में। मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहना भी चाहूँगा कि ये रैली पूरी तरीके से दिखाएं।